जब हम किसी के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कम्युनिकेशन। और हम इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं? बोल के, लिख कर या फिर रेडियो सिग्नल सेंड करके। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम, ये पूरी तरह से इस टॉपिक पे बेस्ड है कि हम रेडियो सिग्नल सेंड करके किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो शुरुआत किया जाए सिंपल चीजों से। मान ले दो इंसान बात कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है और ये सामने वाला सुन रहा है, तो ये इंसान इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। यहां पर हो क्या रहा है? ये इंसान जब बोल रहा है, इसका वोकल कॉर्ड हिल रहा है, उसके कारण एयर मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। जब वो वाइब्रेशन कानों तक पहुंच रहा है तो इसमें सुनने का एक सेंसेशन क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से यहां पर कम्युनिकेट किया जा रहा है सिंपल बोलकर। आपने देखा होगा कि बच्चे माचिस की डिबिया के साथ धागा बांधकर टेलीफोन जैसा एक इक्विपमेंट बनाते हैं। यहां पर देखिए इस फिगर में ये बच्ची बोल रही है और वही साउंड यहां धागा से प्रोपगेट करते हुए इस माचिस की डिबिया तक पहुंच रहा है और ये बच्चा जो है उसे सुन पा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सारे तो बड़ा सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे कि आप किसी को खत लिख दिए, वो खत बाय पोस्ट पहुंच गया दोस्त के पास आपके, तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। लेकिन हमारा जो मेन कंसेंट्रेशन रहेगा इस टॉपिक में वो होगा बाय सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स, जैसे कि हमने बात किया है। तो अब अगर बहुत दूर कोई है, आप उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उस केस में आप सिंपली बोलकर उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं कि आप उम्मीद करेंगे कि आपने जोर जोर से बोल दिया और वो जो है वो सुन लेगा। अगर मान ले 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है तो वो नहीं सुन सकता है। इस तरह के सिचुएशन में जो हम कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन का टूल यूज करते हैं, आज के डेट में हम यूज करते हैं टेलीफोन्स। और हमारा जो मेन कंसंट्रेशन रहेगा वो लैंडलाइन फोन्स पे नहीं रहेगा बल्कि मोबाइल फोन्स पे रहेगा। सो दो इंसान मोबाइल फोन से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहां पर देखें कि ये बच्चा बोल रहा है और ये कन्वर्ट हो जा रहा है, ये साउंड वेव कन्वर्ट हो जा रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाद में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में और ये प्रोपगेट करते हुए यहां दूसरे मोबाइल तक पहुंचता है। हो सकता है बीच में टावर रहे, वो मुद्दा नहीं है। और यहां पर ये मोबाइल उसे कैच करता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, इस सिग्नल को, और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहले कन्वर्ट करता है और फिर बाद में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल साउंड वेव में कन्वर्ट हो जाता है और ये इंसान उसे सुन पाता है। तो जैसे कि हमने बात किया, हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन रहेगा इस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम पे जहां पर कि वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है। यहां पर देखे बीच में वायर नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो मेन कंसंट्रेशन रहेगा वो लैंडलाइन फोन्स पे नहीं रहेगा बल्कि इस तरह के कम्युनिकेशन पे रहेगा। और इस तरह के कम्युनिकेशन को कहा जाता है वायरलेस कम्युनिकेशन। सो वायरलेस कम्युनिकेशन सिर्फ मोबाइल फोन में कम्युनिकेशन को ही नहीं कंसिडर करते हैं हम, और भी बहुत सारे वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकते हैं। आप खुद सोचे कितने तरह का वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकता है। आप जो टीवी देखते हैं वो एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट चैनल जो है वो अपने ब्रॉडकास्टिंग सेंटर से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो रेडिएट कर देता है, वो वेव प्रोपगेट करता है और फिर सैटेलाइट तक पहुंचता है, फिर सैटेलाइट से वो वापस आपका जो छतरी है वो D2H जो है उसमें कैप्चर्ड होता है और आप टीवी देख पाते हैं। अब जो रेडियो सुनते हैं वो भी वायरलेस कम्युनिकेशन है, और जैसे कि मैं जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं इस वीडियो के थ्रू, ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स का सिस्टम है जो कि कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन था वो तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी था, लेकिन अगर टेक्निकल टर्म्स में कहें तो यहां पर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज जो है विद समवन, समवन का मतलब हो जाएगा किसी इंसान के साथ। यहां पर जैसे कि मान ले आप रिमोट कंट्रोल्ड कार अगर चलाते हैं तो उस केस में आप सिग्नल सेंड करते हैं रिमोट कंट्रोलर से और वो सिग्नल पहुंचता है कार तक और वो कार आगे पीछे दाहिने बाएं हो पाता है।
तो यहां पर कार को आप समवन नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये एक एंटिटी है, ये एक ऑब्जेक्ट है. तो बेहतर होगा टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं कि एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद सम एंटिटी. ये एंटिटी इंसान ही होगा, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. सो आगे बढ़ते हैं. सो हमने देखा बेसिकली जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें एक ट्रांसमीटर रहता है, वो ट्रांसमिट करता है. जैसे कि इस केस में ये बच्चा बोल रहा है, तो इसका जो मोबाइल फोन है ये अभी ट्रांसमीटर हो गया. अंदर क्या हो रहा है वो बाद में बात करेंगे हम लोग. फिलहाल तो देखिए एक ट्रांसमीटर है जो कि ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल को, और ये सिग्नल आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ते हुए एक रिसीवर तक पहुंच रहा है. यहां पर ये मोबाइल फोन जो कि उस सिग्नल को रिसीव कर रहा है, इसे रिसीवर कहा जाता है. सो बेसिकली एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, और बीच में जिस मीडियम के थ्रू ये कम्युनिकेशन हो रहा है, यहां पर देखे मीडियम क्या होगा, क्या प्रोपगेट कर रहा सिग्नल के तौर पे, प्रोपगेट कर रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो यहां पर मीडियम जो है, बीच का जो यहां स्पेस है, वो हो जाएगा अभी इस केस में इसका मीडियम. इस मीडियम को हम चैनल कहते हैं. अगर पहला वाला एग्जांपल ले, यहां पर इंसान बोल रहा था और सामने वाला इंसान सुन रहा था, यहां पर मीडियम क्या होगा, या फिर कहे चैनल क्या होगा, यहां पर चैनल होगा एयर, हवा, क्योंकि हवा के थ्रू ही साउंड प्रोपगेट कर रहा है. इस दूसरे केस में अगर मीडियम देखे तो ये जो धागा है ये हो जाएगा मीडियम. दूसरे शब्दों में, टेक्निकल टर्म में अगर कहें, इस टॉपिक के टेक्निकल टर्म में, तो हम कहेंगे ये होगा कम्युनिकेशन चैनल. और तीसरे केस में जैसा कि हमने बात किया, कम्युनिकेशन चैनल होगा फ्री स्पेस, या फिर कहें स्पेस. क्यों? क्योंकि ये जो वेव है ये स्पेस में प्रोपगेट कर रहा. आपको लग सकता है कि यहां चैनल जो है एयर होगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपगेट कर रहा है ये फ्री स्पेस में प्रोपगेट कर जाता है. तो यहां पर हम एयर नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं मीडियम जो है वो फ्री स्पेस है. तो ये हो गया इस केस में चैनल. तो हमने देखा कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उस सिस्टम में एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, और बीच में कम्युनिकेशन चैनल होता है. अगर आप इसे फिगर में रिप्रेजेंट करें तो आप इसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो एक मैसेज सिग्नल होता है, जैसे यहां बच्चा कुछ बोल रहा है, मान ले हेलो बोला इसने, तो वो हो गया मैसेज सिग्नल. वो किसी तरह से ट्रांसमीटर उसे कैच करता है, फिर कुछ प्रोसेस करता है, उसमें हम आगे बात करेंगे. और प्रोसेसिंग होने के बाद वो उसे ट्रांसमिट कर देता है. ट्रांसमिट करने के बाद वो कम्युनिकेशन चैनल होते हुए रिसीवर से रिसीव्ड होता है, और वो फिर उसे साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है. हम हमेशा साउंड वेव नहीं कहते हैं, हो सकता है मैसेज सिग्नल जो है, जो इनपुट सिग्नल है, वो कोई पिक्चर हो, आप ईमेल कर रहे हैं, कोई एक इमेज ईमेल कर रहे हैं, वो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिटेड हुआ, चैनल से पार हुआ, रिसीवर से रिसीव्ड हुआ, और बाद में वही जो इमेज है वो आप जिसे सेंड कर रहे हैं वो देख पा रहा है. तो हमेशा यहां साउंड वेव ही होगा, उसका कोई मतलब नहीं है. फिर भी हम बेसिक तौर पे साउंड वेव को कंसिडर करते हुए ही चीजों को समझेंगे. सो यहां पर तीन चीजों का जो सिस्टम है, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम. अब अगर आप इसे और भी माइन्यूटली स्टडी करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ट्रांसमीटर में बहुत सारा पार्ट होता है और रिसीवर में भी बहुत सारा पार्ट होता है. जैसे कि मान ले मैं कुछ बोल रहा हूं, माइक्रोफोन के थ्रू वो किसी तरह से आगे बढ़ रहा है, तो मैंने माइक्रोफोन में कुछ बोला, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, सो मैंने माइक्रोफोन में बोला, तो वो साउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है माइक्रोफोन के थ्रू, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल चला जाता है मॉड्यूलेटर में. इस पे हम आगे काफी चर्चा करेंगे कि मॉड्यूलेटर की जरूरत क्यों है और मॉड्यूलेटर क्या करता है. सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मॉड्यूलेटर के थ्रू पार होता है. मॉड्यूलेटर करता क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ इसे, इस सोर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है, एक साथ मिला देता है. इसका भी दो तरीका है, एक तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, दूसरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है. इन सारे चीजों पे हम आगे बात करेंगे, एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बनेगा, उस पे हम बात करेंगे. फिलहाल तो हमें ओवरव्यू देखना है. सो मॉड्यूलेटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ उसे मिला देता है, मिक्स कर देता है किसी तरह से, और वो आगे बढ़ता है, वही सिग्नल फिर आगे बढ़ता है, वो एम्पलीफाइड होता है. हम एम्पलीफायर क्यों यूज करते हैं, इसका जो स्ट्रेंथ है, जो भी सिग्नल है, इस तरह का सिग्नल है मान ले, उसका स्ट्रेंथ को हम बढ़ाते हैं, उसका एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं, या फिर कहें उसका जो पावर है उसे बढ़ा देते हैं.
हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आगे चल के जब ये प्रोपेगेटेड होगा एंटेना के थ्रू, तो उसके पास इतना एनर्जी नहीं होगा कि वो अगला एंटेना तक पहुंच पाए, रिसीविंग एंटेना तक। इसीलिए हम सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं, उसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। अब वही सिग्नल एंटेना में पहुंचता है, ट्रांसमिटिंग एंटेना। आपके मोबाइल में एक एंटेना होगा, आप जो भी बोल रहे हैं वो एम्पलीफाइड होकर एंटेना के थ्रू पार हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तौर पे। सो ये एंटेना इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देता है और ये आगे बढ़ता है। अब ये जो रिसीविंग एंटेना होता है, जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके पास भी एक एंटेना होगा, वो एंटेना उसे रिसीव करता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए बेसिकली क्या हो रहा था, यहां पर एम्पलीफाइड हो रहा था, उससे पहले मॉड्यूलेटेड हो रहा था, तो ये एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हुआ। जब ये रिसीविंग एंटेना उसे रिसीव करेगा तो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल ही रहेगा यहां पर। उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को, उसमें तो बहुत सारे फ्रीक्वेंसी का, हाई फ्रीक्वेंसी का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है मिलाया गया था, तो उसे अब हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा हेलो यहां पर माइक्रोफोन पे, तो वो एक सर्टन इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करेगा। उसे मिलाया गया हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ, तो अब जब यहां पर वो पहुंचेगा रिसीविंग एंड पे, तो उसे तो डीमॉड्यूलेटेड भी होना होगा, वो जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स है जिसे मिलाया गया था उसे हटाना भी तो होगा, वरना ये तो हेलो नहीं रहेगा, कुछ और ही बन जाएगा। सो अब उसे डीमॉड्यूलेटर के थ्रू हटाया जाता है और फिर ये वो सिग्नल होता है जो कि मैंने यहां पर क्रिएट किया था बोल के। अब वो सिग्नल तो अब तक वीक हो चुका होगा, क्योंकि इतना सारा स्पेस वो पार करके गया था, फिर वो यहां पर डीमॉड्यूलेटेड हुआ। सो इन सारे प्रोसेसेस में इस सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो घट गया होगा, तो हम यहां पर यूज करते हैं एम्पलीफायर और फिर हम उसे सेंड कर देते हैं लाउड स्पीकर में, और यहां पर एग्जैक्टली सेम साउंड क्रिएट होता है जो कि हमने यहां पर क्रिएट किया था। तो इस केस में देखे वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है, यहां पर देखे कुछ नहीं है, यहां पर वायर नहीं है, वायरलेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू यहां पर कम्युनिकेशन हो रहा, तो ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। इस केस में अगर चैनल की बात किया जाए तो यहां पर चैनल होगा फ्री स्पेस। हम आगे के वीडियोज में ये देखेंगे कि मॉड्यूलेटर हम क्यों यूज करते हैं, क्या काम है मॉड्यूलेटर का, और फिर यहां पर ट्रांसमिटिंग एंटेना ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर रहा है, ये कैसे कन्वर्ट करता है ये भी हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। और इसका उल्टा क्या हो रहा है, यहां पर रिसीविंग एंटेना जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव कर रहा है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और फिर डीमॉड्यूलेटर कैसे काम करता है, और फिर जाके लाउड स्पीकर में यहां कैसे साउंड क्रिएट हो रहा है। तो ये तो बेसिक वीडियो था, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियोस में हम इन सारे टॉपिक्स पे डिटेल्स में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।